अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक नई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं फ्रैंकलिन के लिए। तो अभी मैंने अपने दोस्त से जो है वे ये ट्रक और ट्रेलर लिया है। इसके अंदर जो है वो मैं अपनी नई गाड़ी ले गया हूँ, क्योंकि मेरी क्रिसलर 300 CB भी PDM पे खड़ी है। और आज जो मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, कस्टम गाड़ी होने वाली है। उसके ऊपर मैं अपना कस्टम ग्रीन कलर कराने वाला हूँ, तो उसको भी मैं PDM से ही जो है वो परचेज़ करने वाला हूँ। तो इधर मैं मिलिट्री बेस आया था, क्योंकि फ्रैंकलिन का जो दोस्त है वो मिलिट्री बेस में ही होता है, तो उससे मैं ये ट्रेलर लेने आया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ PDM पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा। फिर उसको जो है वो मैंने छोड़ना है अपने घर के पास, मतलब अपने गैराज के पास। फिर उधर जो है मैं वापस ये PDM पे खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो हमारे PDM के पास ही रहता है। तो वो कह रहा था कि मैं आते हुए ले लूँगा। और हमने जो अपनी क्रिसलर 300 आज गैराज में खड़ी करनी है, और कल आज जो है वो हम अपनी ग्रीन वाली गाड़ी जो है घर ले जाएंगे। और भाई, गाड़ियाँ तीन हो गई हैं, और अभी मेरा एक और गाड़ी लेने का प्लान है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगा कौन सी है। तो यार, आप लोग बताओगे मुझे एक गाड़ी सेल करनी पड़ेगी अब, डॉज चार्जर और क्रिसलर 300 CB में से कौन सी गाड़ी सेल करनी चाहिए। वैसे गैराज भी है तो मैं गाड़ी वहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर सेल करनी हो तो कौन सी करनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स में बताओ। डॉज चार्जर करूँ या क्रिसलर 300 CB करूँ। अभी मैं जल्दी से जो है वो चलता हूँ अपने PDM के शोरूम पर। और भाई, जो कल की वीडियो में जो हमने चैलेंजर 2021 डॉज के लिए शिपमेंट आई थी भाई, वो सारी सेल हो चुकी हैं। सिर्फ एक कलर रह गया, वाइट वाला, तो वो भी आज कल में सेल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वो टेस्टिंग के लिए गया हुआ है, जिन्होंने ख़रीदा वो टेस्टिंग के लिए लेके गए हुए हैं। और बकाया सारे मॉडल्स जो हैं वो बिक गए हैं, और उससे जो पैसे हैं उससे आज जो है वो हम अपनी एक कस्टम गाड़ी लेने वाले हैं। तो भाई, मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने PDM के, थोड़ा सा दूर है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूं। और अभी यहां से ऊपर जाके तो थोड़ा सा आगे है। और फिलहाल भाई, तब तक यार आप लोग मेरा इंस्टाग्राम जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो कर लो, और मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो रही होती है ना, उसे अपलोडिंग पे लगा के सबसे पहले मैं जो है अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अनाउंस कर देता हूँ कि आज कौन सी वीडियो आने वाली है और कौन सी अपलोड हो रही है। और अगर कोई भी डिले वगैरह होता है या मैं वीडियो अपलोड नहीं करता जिस दिन, उस दिन मैं सारा रीज़न वगैरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बता देता हूँ।
तो जाके दोनों को फॉलो कर लो, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ट्विटर पे मैं इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन ट्विटर को भी फॉलो कर लो, इंशाल्लाह उधर भी एक्टिव होऊंगा। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है क्योंकि यूट्यूब को भी देखना होता है, दो चैनल है, दोनों का कंटेंट बनाना होता है। अभी दूसरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही क्योंकि उधर की वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये मेन चैनल की वीडियो एडिट करते करते और इसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो दूसरे चैनल पे जो वीडियो वो संडे को इंशाल्लाह आ रही है। और मेरा वैसे प्लान भी दूसरे चैनल बनाने का यही था कि उधर संडे के संडे वीडियो अपलोड किया करूँगा। संडे को मेन चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया करेगी, सेकंड चैनल पे आया करेगी। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लो, उधर मैं दोनों चैनल्स के जो हैं सारे अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। और अगर कोई जिस दिन वीडियो नहीं आनी होती उस दिन भी मैं जो है सारा रीज़न वगैरह बता देता होता हूँ कि आज वीडियो क्यों नहीं आई या आज वीडियो कितने बजे आनी है, तो वो सारा जाके उधर फॉलो कर लो। तो भाई बस थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा भी नहीं, अब काफ़ी पास आ चुके हैं हम अपने पीडीएम के शोरूम पे। तो जल्दी से उधर पहुंच के ना, तो अब गाड़ी जो है परचेज़ करके तो उसको गैराज में छोड़ना है, तो उसको जल्दी से ले लेता हूँ। पीडीएम से फिल्म मेरा लेने का प्लान इसलिए बना था क्योंकि उधर मुझे एक तो अपना शोरूम है तो चलो डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब मैं अपने आप को खुद ही डिस्काउंट दे दूंगा और अच्छी भी मतलब ट्रस्टेड हो जाएगी कि मेरा अपना जो है शोरूम है तो उधर ये ट्रस्ट फैक्टर भी कोई नहीं और उधर सर्विसेज भी सारी मिल जाएंगी मुझे, मैकेनिक वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं पीडीएम से जो है अपनी कस्टम गाड़ी बनवाऊँगा। भाई हम पहुंच गए अपने पीडीएम के शोरूम पे, अब जल्दी से मैं ये ट्रक को अंदर करके तो अपनी कस्टम गाड़ी बनवा लेता हूँ। और यार GTA 5 के स्टोरी मोड्स की वीडियोस भी आने वाली हैं बहुत जल्दी। बस ये रियल लाइफ मोड्स के आप लोगों ने कहा था तो इसको मैंने स्टार्ट किए हैं, अभी इंशाल्लाह इसके अंदर ही अंदर हम स्टोरी मोड का भी कंप्लीट करेंगे। और ये खड़ी अपनी क्रिसलर 300C जिसके अंदर मैं इधर आया था, और फिर मैं इसको उधर इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि मुझे ये था कि फिर मैं उधर छोड़ूंगा और ये जो हमारा दोस्त है उसने तो इधर आगे ले लेनी है। और ये गाड़ी भाई सर्विस होने के लिए आई हुई है तो इसको सर्विस करना है, अभी मैकेनिक आएगा वो करेगा। हम फिलहाल अपने असिस्टेंट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई हमें एक कस्टम गाड़ी का ऑर्डर देना है। तो ये नहीं है मुझे चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ये है वो गाड़ी विलार्ड फैक्शन कस्टम डोंक मसल कार है भाई। तो इसका कलर मैं करूँगा ग्रीन, ग्रीन देखते हैं कौन सा करना है। ये लाइम ग्रीन अच्छा लग रहा था वैसे मुझे, लेकिन रेसिंग ग्रीन नहीं अच्छा, नहीं सी ग्रीन नहीं, ब्राइट ग्रीन भी अच्छा है यार, यही कर लेते चल। और इसके अंदर अपग्रेड करना है व्हीकल का फुल। नंबर प्लेट मैं लिख लेता हूँ, कस्टम नंबर प्लेट लगाएंगे येलो एंड ब्लैक वाली, नहीं एक्स्ट्रास लगा लेते। नंबर प्लेट में हम लिखेंगे कंफर्म करते हैं भाई इसका। और व्हीकल अपनी आ चुकी है कस्टम, यार ये काफ़ी टाइम से मैंने ख़रीदनी थी। अब इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी आप लोगों को इन इसके बड़े टायरों की वजह से, लेकिन भाई ये गाड़ी ऑफ रोड के लिए बनी हुई, तो हम इस पर ट्रिप करने भी जाएंगे ऑफ रोड पे। फ़िलहाल मैं इसको जल्दी से अपने ट्रेलर पर चढ़ाता हूँ और चलते हैं इसको गैराज के बाहर खड़ा करने। इसको फिर मैं घर ले जाऊँगा क्योंकि कल मुझे जाना है अपने बैनिस के वर्कशॉप, वहाँ पे एक काम है। और भाई कल का मौसम जो है मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा है तो भाई वहाँ पे बारिश दिखा रहे हैं, कल बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो हमें जो है कल अपने उधर जाना है सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है बेनिस के वर्कशॉप।
तो इसलिए भाई मैंने ये गाड़ी ली है आज के आज ही, नहीं तो मेरा प्लान अगले हफ्ते का था। आज के आज इसलिए ली है क्योंकि भाई कल बारिश है और हमने जाना है सैंडी शोर्स, तो जाना तो हमने ये ट्रेलर ले गई है हम। मैं अभी उसको फ़ोन करके एक दिन के लिए और परचेज़ कर लूँगा, लेकिन इसको लेने का मकसद यह है कि क्योंकि रोड्स हो जाती हैं स्लिपरी बारिश के टाइम और गाड़ी सही चल नहीं पाती, और अपनी क्रिसलर जो है वो बारिश पे काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन उसको हम खड़ा कर देंगे आज गिराज में। तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ली क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छी सही चलती है, इसकी रोड स्टेबलाइजेशन अच्छी है, फिर ये रोड पे स्लिप भी नहीं होगी। तो इसलिए भाई ये गाड़ी लेने का आज गाड़ी लेने का मकसद है। और अपनी जो डॉज चार्जर है वो काफ़ी स्लिप होती है, वो बेसिकली बनी है ड्रैग रेसिंग या फिर क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी के लिए, या रेसिंग कार है वो एक टाइप की, तो वो मैं ज़्यादा चलाता हूँ, लेकिन कल नहीं चलाऊँगा क्योंकि कल होने वाली बारिश काफ़ी तेज़। तो इसलिए भाई आज ये गाड़ी लेने का मेरा मकसद बना, क्योंकि इसका टायर भी बड़े हैं, आराम से चलेगी, और अगर कहीं बारिश में अगर बाई चांस कहीं लग भी गई तो इसको कुछ नहीं होगा। क्रिसलर है, क्रिसलर नीचे वो कहीं लग जाए ना तो उसके ऊपर डेंट वगैरह पड़ जाते हैं। तो अभी चलते हैं गराज में, गराज के बाहर ये गाड़ी खड़ी करके फिर मैं क्रिसलर लेने आऊँगा। क्रिसलर का तो ड्राइव करके लेके जाएंगे यार। भाई हम आ गए अपने गराज के पास, अब जल्दी से जो है इसको मैं गराज के बाहर खड़ी करके ट्रेलर ले जाता तो हूँ पीडीएम पे, और ट्रेलर को खड़ा कर के अपनी क्रिसलर 300 सी लेके आते हैं। तो भाई अब मैं इसको यहाँ पे उतार के तो पार्किंग में लगा देता हूँ, और ट्रेलर लेके पीडीएम जाता हूँ, और जल्दी से अपनी एक क्रिसलर को लेके तो आते हैं। यही तो बात है भाई इस गाड़ी की, अगर कहीं फंस भी जाए ना ऐसी ऊंची जगह पे तो इसके बड़े टायर जाए ना, अगर ये 4x4 भी नहीं है ना तो फिर भी ये निकल आती है यार। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है इस गाड़ी की, तभी मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया है। तो भाई अब जल्दी से चलते हैं पीडीएम पे और जाके तो अपनी क्रिसलर 300 लेके आते हैं गैराज में, और अपने गाड़ी में घर ले जाऊंगा बाद में, क्योंकि पहली वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं अब ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो मैं क्रिसलर लाता हूँ यहाँ पे और फिर वहाँ पे वीडियो एंड कर देंगे हम। और भैया आप लोग कमेंट्स में बताओ यार कैसी लग रही है आप लोगों को ये रियल लाइफ मॉड्स की वीडियो, क्योंकि जबकि मैंने अभी फर्स्ट वीडियो अपलोड की है ना, इसे नहीं दो वीडियोस अपलोड हो गई हैं और अभी तक मेरे ख्याल से 6 से 7 व्यूज़ ही आए हैं सिर्फ, जबकि मैंने पिछली दफ़ा जब होंडा सिविक टाइप आर की फ्री रोम की थी ना उसके बाद मेरे ख्याल से 70 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। तो यार इस पे आप लोगों ने ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिए, तो यार कमेंट्स में तो यार कैसी लग रही है आप लोग रियल लाइफ मॉड्स की वीडियो। अभी भाई अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो आगे आगे कहानियाँ बननी है इसकी, स्टोरी सारी बनेगी, सारे एपिसोड्स बनेंगे यार। अभी तो सिर्फ हमने स्टार्ट किया है, एज अ फ्रैंकलिन स्टार्ट किया, अभी तो माइकल रहता है, ट्रेवर रहता है, उनके साथ जो स्टोरी बननी है, अभी कस्टम करेक्टर्स आएंगे स्टोरी के अंदर। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट्स में बताओ यार कैसी लग रही है आप लोगों को ये वीडियो। यहाँ से ले जाते हैं, रिवर्स करके लगाते हैं यार यहाँ पे एक ही दफ़ा, मैकेनिक जो है ना वो खुद ही फिर सही करके लगा देगा कल जब हमने जाना होगा ना। कल वैसी बारिश दिखा रहा है इतनी तेज़, अब देखते हैं कल बारिश होती है कि नहीं होती। वैसे मैंने घर में न्यूज़ में भी देखा है
और मोबाइल पे अपडेट्स आते रहते हैं फ्रैंकलिन का, तो वहाँ पे भी आया गया भाई कल काफ़ी तेज़ बारिश है और ठंडी हवा भी चलनी है, तो कल वैसे ही हम जैकेट पहन के आ जाएंगे या जैकेट या हुडी पहन के आ जाएंगे। और देखिए और भाई ये गाड़ी सर्विस होगी और इसका पेंट भी चेंज हो गया है, ये आज जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उनको वो देना चाहिए ना। ये अपनी क्रिस्टल 300 सी, तो अब जल्दी से चलते हैं हम अपने गैराज में। वही यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोग पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि मेरी नई वीडियोस के आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और भाई कमेंट्स में बताओ आप लोग रियल लाइफ मॉड्स कैसे लग रहे हैं, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I think the girls with their nails done now.